अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दम का गोश्त बनाने की रेसिपी। तो ये जो दम का गोश्त है बहुत ही आसान से तरीके के साथ में आज मैं आप लोगों के साथ में इस रेसिपी को शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। दम का गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमको मटन को मैरिनेट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम कुछ मसालों को भून लेंगे। तो मसालों में लेंगे हम खोपरा, ये है खोपरा, तो ये साइज़ का लेंगे हम, इतनी बटी लेंगे खोपरे की। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे अब। और ये सूखा खोपरा है, तो ये देखिए इस तरह से खोपरे के छोटे टुकड़े करके हम पैन में ऐड कर लेंगे। अब इसी के साथ में काजू लेंगे, 15 काजू है ये, काजू को भी खोपरे के साथ में ही ऐड कर लेना है। फ्लेम ऑन करेंगे और इसको हल्की सी आंच पे भून लेंगे। अब इसका हल्का कलर चेंज होने तक भून लेना है। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसी के अंदर खसखस भी डालकर भून लेंगे। तो ये देखिए अब इसका जो कलर है खोपरा और काजू का कलर चेंज हो गया। तो ये देखिए 2 टीस्पून लेंगे हम खसखस। अगर आप लोग खसखस नहीं लेना चाह रहे हैं या अगर आप लोगों के पास में नहीं मिलती तो इसके बदले में आप लोग थोड़े से बादाम ऐड कर ले सकते हैं, यानी कि 15 बादाम ऐड कर लीजिए। तो तवे के ऊपर खसखस को जैसे ही डालेंगे हम फ्लेम भी फौरी ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके अच्छे से भून लेंगे हम खसखस और सारे मसालों को। भून लेने के बाद में प्याज को तल कर निकाल लेंगे। सेम पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर बारीक काट लेंगे। तो प्याज जैसे ही इसका कलर चेंज होगा प्याज का, इसको भी हम तेल से निकाल लेंगे अच्छे से छान कर। तो ये देखिए ये जो प्याज है इसका भी अब बादामी कलर आ गया, इसको अब हम निकाल लेंगे। तो प्याज को भी हम भुने हुए मसालों के साथ में ऐड करेंगे और इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पीसने के दौरान हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको पीस कर इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और ये जो प्याज का तला हुआ तेल है हम गोश्त में ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। ये है हड्डी वाला गोश्त 750 ग्राम। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून। तो जिस बर्तन में ये बना रहे हैं हम उसी में मैरिनेट कर लेंगे इसको। नमक 1 टीस्पून, मिर्च नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये है 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 4 से 5 काली मिर्च के दाने और ये लेंगे हम 4 से 5 कबाब चीनी, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, 2 तेज़पत्ता और ये है ज़ाफ़रान का दूध 1/2 टीस्पून। ज़ाफ़रान को लेकर हम गर्म दूध में मिक्स कर लेंगे, यानी हल्के से गर्म दूध में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका जो कलर है इस तरह का आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद में गोश्त में ऐड कर लेंगे ये ज़ाफ़रान का दूध। अब ये अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम इसको ढक्कन से कवर करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, या अगर आप लोग इसे भी ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाह रहे हैं तो रख सकते। मसालों का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आता जितना इसको ज़्यादा टाइम के लिए हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो ये देखिए 1/2 घंटा अब हो गया। 1/2 घंटे के बाद में अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो दम के गोश्त में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते, मगर इसमें पपई का पेस्ट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, इसी वजह से इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे अब हम। असल तो इसका जो तरीका है पपई का पेस्ट ऐड करते मटन को मैरिनेट करते वक्त में, तो काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि बिना पपई के पेस्ट के ये रेसिपी बताओ बोल के, इसीलिए मैं ये रेसिपी बनाई। तो अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और ये है खोपरा काजू और प्याज खसखस का जो पीसा हुआ पेस्ट है ये ऐड करेंगे अब। रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे अब, 250 ग्राम दही,
अच्छे से मिला लेंगे। दही ऐड करने के बाद में, मसाले और दही ऐड करने के बाद में और इसको अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम इसको ढक्कन से कवर करके फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे हम मीडियम हीट पे। पहले 10 मिनट के लिए पकाएंगे, यानी कि मटन को अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, अब ये जो मटन है इसमें अच्छे से उबाल आ गया, ये अब अच्छे से पकना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे हम, फिर से इसको ढक्कन से कवर करके रख देंगे, बिल्कुल लो हीट पे इसको दम पे पकने के लिए रख देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। तो इस तरह से अगर हम इसको लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे तो गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए 35 से 40 मिनट अब हो गए, ये गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। ये देखिए हड्डी से बिल्कुल अलग हो जा रहा गोश्त, अच्छे से पक गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कोतमीर, पुदीना और 4 से 5 स्लेट की हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। एक नींबू का निकाला हुआ रस, हरा मसाला और नींबू का रस ऐड करने के बाद में अब हम इसको फिर से ढक्कन से कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट जब हो जाएंगे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया ये। ये देखिए अब ये जो दम का गोश्त है बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं प्लेन राइस, या फिर बघारा खाना, पराठा, रुमाली रोटी, या फिर नान की रोटी के साथ में, जैसे आप लोग चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी तली हुई प्याज, बारीक कटे हुए कोतमीर और हरी मिर्च के साथ में। तो बिना पपई के पेस्ट के इस तरह से आप लोग इसको बना ले सकते, या फिर अगर आप लोग के पास में पपई है तो 1 टेबलस्पून पपई ऐड कर लीजिए, यानी कि पीसी हुए पपई का पेस्ट ऐड कर लीजिए इसमें। पपई के पेस्ट की वजह से गोश्त बिना पानी के ही गल के तैयार हो जाता और बहुत अच्छे से भी गल जाता। तो है तो ज़रूर ऐड कीजिए, अगर नहीं है तो 1 गिलास पानी डालकर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लीजिए, दम का गोश्त बन के तैयार हो जाता। रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।